नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पर। मैं अंकित गुप्ता करता हूं आप सभी का स्वागत। जितने भी विद्यार्थी यहां पर जुड़ चुके हैं उन सभी को यहां पर गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज चुके हैं, तो बिल्कुल आप लोग तैयार हो जाइए कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए। कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स पर चर्चा के लिए आपको यहाँ पर तैयार हो जाना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि द हिंदू न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स आपके आ रहे हैं उतने इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स नहीं हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने भी कहा कि सर ज़्यादा मज़ेदार आर्टिकल्स नहीं आ रहे हैं। अगर अब ज़्यादा मज़ेदार आर्टिकल्स द हिंदू न्यूज़पेपर में नहीं आते सर, तो हम किसी और न्यूज़पेपर से भी आर्टिकल्स उठा सकते हैं। हाँ और ना, एक बार मुझे यस लिखकर बता दीजिए। और आज मैंने यही किया है कि कुछ महत्वपूर्ण जो आर्टिकल्स हैं वो मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर के अलावा दूसरे न्यूज़पेपर से लिए, जो कि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए भी महत्वपूर्ण बनेंगे और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनेंगे। पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस से ग्रसित है और कोरोना वायरस पूरी दुनिया में इस समय हाहाकार मचा रहा है। तो इस समय कोविड बनाना भी, या फिर हम इसे कह सकते हैं बनाना कोविड का मतलब है, बनाना का मतलब हो जाएगा के जो आपका केला होता है वो, और के बनाना में भी जो एक बीमारी इस समय उभर कर आ रही है उसे बनाना कोविड कहा जा रहा है। आप बनाना में यानी कि केले में भी कोरोना वायरस या इसी से मिलते जुलते जो लक्षण हैं, क्योंकि इस समय कोरोना महामारी तेजी से फैल रही, तो लोग इसे सामान्यतः बनाना कोविड कह रहे हैं। तो बनाना बीमारी की अगर हम लोग बात करते हैं, जो कि कोरोना वायरस जिसको बोला जा रहा है, इसके ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ था हिंदुस्तान टाइम्स में, तो वहां से एक आर्टिकल ले लिया है। एक आर्टिकल आपका लिया है 28 मई को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे मनाया गया है, उसके ऊपर एक जलीय जीव के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसको लिए यहां पर ले लिया है। तो आज हम लोग बनाना वायरस के ऊपर बात करेंगे और एक इंपॉर्टेंट जीव है, जलीय जीव है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें आपको मैं बता दूं। करंट अफेयर्स की प्रतिदिन क्लास इसी यूट्यूब चैनल पर होती है सुबह 7 बजे। मैं करंट अफेयर्स की क्लास भी लेता हूं। आज बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए थे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने डिस्कस की है, तो करंट अफेयर्स की क्लास भी प्रतिदिन जरूर देखिए। अगर लाइव नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में इस क्लास का लाभ जरूर उठाइए। अगर किसी विद्यार्थी ने अभी तक एक भी बार क्लास नहीं देखी है तो कम से कम एक बार क्लास जरूर देखिए। अगर आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है तो उसे आप बार बार देखेंगे। 11 बजे आज जो स्टैटिक जीके की क्लास होती है वो आज आपकी आज नहीं होगी, इसके एवज में कल यानी कि संडे को हम लोग 2 घंटे की स्पेशल क्लास यहाँ पर करेंगे। जी हाँ, 2 आवर्स की स्पेशल क्लास आपको कल मिलेगी स्टैटिक जीके की, कहाँ पर? अनअकैडमी पर, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कल आप लोग अनअकैडमी पर जुड़ेंगे। आज 11 बजे वाली क्लास नहीं हो पाएगी, इसके एवज में कल 2 घंटे हम लोग स्टैटिक जीके की क्लास यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 1 बजे आज दोपहर आपको जीएस मैराथन क्लास के लिए जुड़ना है। जीएस मैराथन 1 घंटे की आपकी क्लास होगी, जहाँ पर मैं करीब करीब 25 से 30 या 40 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर जितने क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो उसका पार्ट उसका हिस्सा भी बनना मत भूलिएगा। साथ ही साथ एक जरूरी जानकारी, ज्योग्राफी की मैं बात करूं, जीएस की क्लासेस मेरे द्वारा ली जाती हैं और जीएस की क्लासेस के लिए ही यहां पर एक मैंने कोर्स भी लॉन्च किया है। जो लोग चाहें, जो विद्यार्थी चाहते हैं अपने जीएस को इंप्रूव करना, अपनी ज्योग्राफी को इंप्रूव करना, वो क्रैश कोर्स ऑन ज्योग्राफी, ऑन इंडियन ज्योग्राफी को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्रैश कोर्स आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आपकी ज्योग्राफी वीक है या अपनी जीएस को आप इंप्रूव करना चाहते हैं, तो क्रैश कोर्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी आप इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। पर डे आपकी 1 घंटे की क्लास होगी। ये बैच आपका 1 जून से स्टार्ट हो रहा है, ये याद रखिएगा। आपके लिए यहाँ पर पूरी टॉपिक की लिस्ट है कि टारगेट बैच ऑफ इंडियन ज्योग्राफी आपको टोटल 16 लेक्चर्स यहाँ पर मिलेंगे 18 डेज में, जिसमें से हर 3 टॉपिक के बाद एक डाउट सेशन होगा, ताकि आपके दिमाग में जो भी सवाल उठ रहे हैं उस डाउट को यहाँ पर क्लियर किया जा सके। प्रतिदिन रात के 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में क्लास होगी, ताकि आप दिन भर जहाँ कहीं भी आप बिजी रहते हैं आप अपना काम वाम निपटा लें, और उसके बाद रात के 10 से 11 इन सारे टॉपिक्स पर चर्चा होगी इंडियन ज्योग्राफी की। याद रखिएगा, इंडियन ज्योग्राफी को मजबूत बनाने के लिए थ्योरी टॉपिक वाइज ये पूरी क्लास आपकी चलेगी। 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। अनअकैडमी पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जितने भी महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको वहां पर 10% ऑफ मिलेगा। मेरी रिकमेंडेशन है 12 महीने की, क्योंकि 12 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो पर मंथ आपको यहां पर ₹450 के हिसाब से ही पेमेंट करना होगा। ₹450 आप एक अगर पिज्ज़ा खाने भी जाते हैं, वैसे अभी नहीं जा रहे होंगे, लॉकडाउन चल रहा है, तो पिज़्ज़ा खाने भी जाते हैं तो भी आप कम से कम एक पिज़्ज़ा जो कि मीडियम साइज़ होता है, चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा होता है, वो आप ₹450 वहाँ पर खर्च कर देते हैं। तो एक पिज़्ज़ा के खर्चे पर प्रति महीने आप ज्योग्राफी की क्लासेज, और आगे आने वाले समय में, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन आपका 12 महीने का होगा, इसलिए आगे आने वाले समय में आप जो हिस्ट्री की क्लासेस मेरी स्टार्ट होंगी उसके लिए आपको कोई चार्ज पे करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद इकोनॉमिक्स और इसके बाद पॉलिटी की क्लास
क्लास होंगी, इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक महीने तक हर तरह की क्लास का यहाँ पर लाभ उठा सकते हैं। मेरे अलावा आप मैथ्स जीए और इंग्लिश और रीजनिंग की क्लास का लाभ भी उठा सकते हैं। टारगेट 10 कोड यूज़ करेंगे तो टारगेट बैच से आप लोग जुड़ जाएंगे और 1 तारीख से ज्योग्राफी डिटेल में इमेजेस के साथ एनिमेशन के साथ, आप सभी ने मुझे ज्योग्राफी पढ़ाते हुए देखा है और आप सभी ने देखा है कि जब मैं फ्री क्लासेस लेता हूँ यूट्यूब पर तो काफ़ी अब बेहतर कोशिश करता हूँ कि आपको हर चीज़ यहाँ पर क्लियर कर पाऊँ। तो पेड क्लासेस में मैं और बेहतर तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ, वहाँ पर कोई टाइमिंग का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके अलावा मेगा क्विज भी होगा सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद, डाउट सेशन भी होगा हर 3 टॉपिक के बाद। जिसको लगता है कि ये मेरे काम का पैकेज है, मेरी अगर ज्योग्राफी डाउन है, मेरी ज्योग्राफी अगर वीक है, तो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के लिए और आगे आने वाले समय में हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए आप 1 साल का यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। टारगेट 10 कोड लगाना मत भूलिएगा। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको टारगेट 10 कोड वहां पर लगाना होगा, 10% ऑफ मिल जाएगा। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं और बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी पेमेंट हो जाएगा, UPI ID के माध्यम से भी पेमेंट हो जाएगा। हाँ विकास कुमार जी, पहले टमाटर में तिरंगा वायरस देखने को मिला था, अब केले में यहाँ पर वायरस देखने को मिल रहा है। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या करना है। जो भी लोग इंटरेस्टेड हो इसे परचेज करने के लिए, वो मेरे टेलीग्राम पर भी मुझे मैसेज करके इसकी प्रोसेस पूछ सकते हैं कि सर ज्योग्राफी के कोर्स में इनरोल कैसे कराना है। इसके अलावा आगे आने वाले जो बैंक के एग्जाम हैं, अगर आप लोग उनकी तैयारी कर रहे हैं, बट ऑब्वियस सी बात है इसीलिए आप लोग वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पर जुड़े हैं, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा प्रवल सर, रितिका मैम, मैं और गौरी मैम, हम सभी का एक ये ग्रुप है जिसका नाम है वाईफाई स्टडी बैंक। ये एक टेलीग्राम ग्रुप है जिस पर बैंकिंग एग्जामिनेशन के वीडियोज और स्टडी मटेरियल आपका शेयर किया जाएगा। तो आप सभी चारों के चारों एजुकेटर्स से यहाँ पर जुड़े रह सकते हैं, तो इस चैनल को ज्वाइन यहाँ पर कर लीजिएगा। आज देखते हैं मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे। बहुत सारे लोगों ने भेजा था, 2-3 लोगों ने भेजा था, लेकिन सबसे ज्यादा लाइक संदीप मिश्रा जी के मोटिवेशनल कोट पर थे। संदीप जी कह रहे हैं कि तानवी नाथ जी, हम जो जीके पढ़ाते हैं वो स्टूडियोज पर पढ़ाते हैं, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर जीके पढ़ा रहे हैं SSC के लिए और अनअकैडमी पर फ्री क्लास ले रहे हैं 11 से 12 प्रतिदिन, आज नहीं होगी कल होगी 2 घंटे की। संदीप मिश्रा जी का कहना है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। आप सभी को यहाँ पर राधे राधे, मुझे भी राधे राधे बोल रहे हैं संदीप मिश्रा जी, वेरी गुड, मेरे हिसाब से कॉमेंट बॉक्स में भी जुड़े होंगे। चलिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल पढ़ते हुए मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आया, बिल्कुल मजा नहीं आया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एक तो हम लोग ये जानते हैं कि द हिंदू न्यूज़पेपर बहुत ही बायस्ड न्यूज़पेपर है और हमेशा ऐसे ही आर्टिकल पब्लिश करता है जो सरकार की आलोचना करते हैं, बहुत कम ही हमने देखा है कि कभी सरकार की किसी पॉलिसी की तारीफ इन्होंने यहां पर किए हो। सोनम सोनी सर आ गए, अब कहां है, रोज ज्वालामुखी हैं। अफुल साइलेंस, ये आर्टिकल जो है वो चाइना और LOC कन्फ्लिक्ट को लेकर है। जो लोग प्रतिदिन द हिंदू एडिटोरियल देखते हैं उनको पता होगा चाइना और इंडिया का जो LAC पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है आपका, वहां पर अक्साई चीन को लेकर जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, कल लोगों ने लास्ट में कल के आर्टिकल में ही शायद डिटेल में देखा था, हाँ या ना, एक बार इसलिए कर बता दीजिएगा, कल के आर्टिकल में ये जो पूरा मसला था इंडिया और चाइना का वो आपको समझ में आ गया हो तो एक बार इसलिए कर बता दीजिएगा। अब दोबारा से इसको डिस्कस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम दोबारा से इसको पढ़ें फिर वही चीज़ें, इसलिए इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर वर्किंग पुअर्स और यहाँ पर मजदूरों को लेकर है जो लोग पलायन कर रहे हैं। हाल ही में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि जो मजदूर गांव शहरों से गांव अपने वापस जा रहे हैं उनको वापस जाने के लिए साधन मुहैया कराए, सरकार उनसे कोई भी पैसा ना ले और उनके लिए वहां पर खाने पीने का इंतजाम भी करे। तो यहां पर वर्किंग पुअर्स को लेकर, मजदूरों को लेकर एक आर्टिकल हर्ष मंदार जी ने लिखा है। आप देख सकते हैं जो भी समस्या इस समय चल रही लॉकडाउन को लेकर, उसकी वजह से मजदूर क्या क्या फेस कर रहे हैं, ये आर्टिकल, फिर वही बात और कितना डिटेल में डिस्कस करें। यहाँ पर एक और आर्टिकल है, बिलेटेड बट वेलकम, एक डिसीजन जो काफी देर से आया लेकिन इस डिसीजन का यहाँ पर स्वागत है। इट इज अ मैटर ऑफ रिलीफ, ये यहाँ पर रिलीफ का मैटर है, दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज एट लास्ट टेकन कॉग्निसेंस ऑफ प्लाइट ऑफ मिलियंस ऑफ इंटर स्टेट वर्कर्स लुकिंग फॉर ट्रांसपोर्ट होम एंड रिलीफ फ्रॉम द अनरिलेटिंग मिजरी
unleashed on them by the lockdown. यहाँ पर तीन जजों की बेंच है जिन्होंने सरकार को ये बोला है कि यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान अगर ये अपने गांव वापस जाना चाहते हैं तो सरकार को इसकी व्यवस्था करनी होगी, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करनी होगी इनको घर तक भेजने की, साथ में खाने पीने की व्यवस्था भी करनी होगी, और इसके लिए इन मजदूरों से कोई भी चार्ज यानी कि पैसा नहीं लेना है, नहीं लिया जा सकता। तो ये एक अच्छी बात है, देर से आया डिसीजन है लेकिन अच्छा डिसीजन है। अब उम्मीद है कि हमारे देश के मजदूर पैदल जाने को मजबूर नहीं होंगे अपने अपने गाँव में। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया समिट को लेकर है, जो कि अगले हफ्ते होने वाली है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया समिट नेक्स्ट वीक इज नॉट डायरेक्टेड ओनली बाय द टर्बुलेंट जियोपॉलिटिक्स ऑफ द रीजन। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ये पूरा जो रीजन बनता है हिंद महासागर का जो एरिया बनता है, यहाँ पर इन दोनों ही कंट्रीज का अगर यहाँ पर टाइप और बेहतर होता है तो इस इलाके में जो चाइना की पहुँच है या इस इलाके में चाइना जो तेजी से अपने पैर पसार रहा है उसको रोकने में यहाँ पर मदद मिलेगी। इंडिया और चाइना यहाँ पर क्या क्या घोषणा करते हैं ये काफी कुछ डिपेंड करता है इन दोनों ही देशों पर, क्या हमारी क्या कुछ एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, बाकी चीजें हैं। तो ये तो जब नेक्स्ट समिट होगी आपकी अगले हफ्ते तभी हमें यहाँ पर पता चलेगा। आज आपका सैटरडे है इसलिए पेज नंबर 9 में आपका ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है जो हमारे किसी काम की नहीं है, जो कि आपका जो अम्फान तूफान आया था उसके बाद जो जान माल की हानि हुई है वेस्ट बंगाल में उसके हालातों को लेकर एक पूरे पेज का ग्राउंड जीरो रिपोर्ट डिस्कस किया गया है, वो आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। लेकिन आज जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है हिंदुस्तान टाइम्स का ये वाला आर्टिकल। ये आर्टिकल की बात करते हैं, बनाना कोविड इसको नाम दिया गया है, बनाना कोविड हिट्स प्लांटेशन, यानी कि बनाना की जो फसल है उसमें ये जो वायरस है वो आपका देखने को मिल रहा है। इस वायरस के लक्षण क्या होते हैं, कहां से ये वायरस आया है, ये सारी चीजें हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। बनाना कोविड इसको एक नाम दिया गया है, अ नोवेल फंगल स्ट्रेन। ये एक फंगस है, ये एक वायरस है जो कि बनाना के पौधों को या प्लांट्स को यहां पर हुआ है। अब ध्यान से यहां पर समझिएगा, कुछ नाम अजीब हैं, कठिन हैं, लेने में मुश्किलात होंगे इसलिए हिंदी में भी लिख दिया है। रिसेंटली अ नोवल फंगस स्ट्रेन जिसको हम कहेंगे यहाँ पर फ्यूजेरियम विल्ट टी आर फोर का फुल फॉर्म बनता है ट्रॉपिकल रेस 4। इतनी बात समझ में आई। ऑल्सो नोन एज पनामा डिजीज, इस बीमारी को क्या भी कहा जाता है, इस बीमारी को पनामा डिजीज भी कहा जाता है, पनामा बीमारी भी कहा जाता है। हैज स्टार्टेड इन्फेक्टिंग द बनाना प्लांटेशन इन इंडिया, और इस बीमारी ने पनामा डिजीज ने या बनाना कोविड ने भारत में जो केले की खेती होती है, केले का प्लांटेशन होता है, उसको यहाँ पर खराब करना शुरू कर दिया है। तो अब यहाँ पर चिंताजनक हालात आपके यहाँ पर बन गए हैं। मैं अपनी गद्दी को यहाँ से उठाकर यहाँ पर बना लेता हूँ, अब आपके लिए बेहतर होगा चीज़ों को देखना और समझना। कितनी बात यहाँ पर समझ में आ गई हो तो यस लिखकर बता दीजिएगा, ठीक है। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड, अब इस बीमारी की अगर हम लोग बात करते हैं जो कि बनाना प्लांट को लग रही है, इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द इक्विवेलेंट ऑफ कोविड 19 इन बनाना। जिस तरह से इंसानों में कोरोना वायरस हो रहा है उसी तरह से इसको भी हम केलों में कोरोना वायरस यहाँ पर कह सकते हैं। सिमिलर टू कोविड 19 देर इज नो ट्रीटमेंट, जिस तरह से अभी तक कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन नहीं बनाई जा सकी और कोई भी इसका ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है, सेम उसी तरह बनाना के पौधों में भी अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है क्योंकि एक नया फंगल डिजीज है जो कि दोबारा से पौधों में पेड़ों में बनाना के पेड़ों में उभर कर आ रहा है। एक इंपॉर्टेंट कंट्री यहाँ पर बनता है इक्वाडोर, क्या बनता है इक्वाडोर, जो कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पूरी दुनिया में, केलों का जो निर्यात सबसे ज़्यादा होता है वो इक्वाडोर के द्वारा होता है। इज करेंटली द एपिसेंटर का मतलब होता है कि इस बीमारी का जो केंद्र है वो आपका इक्वाडोर बनता है। इक्वाडोर पूरी दुनिया में केलों का निर्यात करता है और ऐसी कंडीशन में वहाँ पर ये बीमारी फैलना, वहाँ के केलों और केलों के पौधों में पेड़ों में ये बीमारी होना पूरी दुनिया के लिए यहाँ पर एक रेड अलर्ट है, एक लाल खतरा है। बनाना इज द वर्ल्ड मोस्ट ग्लोबली एक्सपोर्टेड फ्रूट, दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा फ्रूट आपके एक्सपोर्ट किए जाते हैं, निर्यात किए जाते हैं, उनमें से बनाना सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाने वाला फल है। एंड द डिजीज इज ब्रीचिंग का मतलब होता है तोड़ रहा है बॉर्डर्स को, सीमाओं को थ्रू द इंटरनेशनल ट्रेड, और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाने वाले जो बनाना है क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ये एक्सपोर्ट किए जाने वाला फल है, तो एक्सपोर्टेशन की वजह से ये बीमारी या केलों की ये बीमारी दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंच रही है निर्यात के माध्यम से। मेरी बात समझ में आ रही है तो एक बार यस लिखकर बता दीजिएगा, वीडियो पसंद आता जा रहा हो लाइक कर दीजिएगा, क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा।
अब ये जो डिजीज है, रोग है, ये फैल रहा है एंड हैज इम्पैक्टेड द 26 बिलियन ग्लोबल बनाना ट्रेड। और पूरी दुनिया में जो व्यापार होता है बनाना का, बनाना की फसल का, वो लगभग हर साल 26 बिलियन US डॉलर का है, जो कि इससे क्या हो रहा है, अफेक्ट आपका कर रहा है। सबसे पहले इस वायरस की बात कर लेते हैं। ये वायरस फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन ताइवान। इस वायरस का सबसे पहले जो सबूत मिलता है वो ताइवान में मिलता है। ताइवान आप सभी जानते हैं ये भी चाइना के ही नियंत्रण में आपका आता है, तो फिर वही बात आ जाती है कि इसका कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चाइना से भी आप इसको रिलेट करके देख सकते हैं। एंड हैज़ मूव्ड फ्रॉम एशिया, ताइवान से ये एशिया पहुँचता है, यानी कि हमारे महाद्वीप में पहुँचता है, और वहाँ से मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन देशों में फैल जाता है, और फिर लैटिन अमेरिका के देशों में फैल जाता है। लैटिन अमेरिका का मतलब है आपका जो आपका दक्षिण यानी कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, जैसे कि ब्राज़ील है, इसके अलावा अर्जेंटीना है, इसके अलावा चिली कंट्री है। इन सभी कंट्रीज़ को लैटिन अमेरिका में काउंट किया जाता है, जो कि दक्षिण अमेरिका में मौजूद है। वहाँ पर भी ये वायरस धीरे धीरे आपका फैल गया। इस वायरस के हो जाने पर जो प्लांटेशन है वो क्रिपल्स कर देते हैं, मतलब कि वो जो पत्तियां होती हैं ना पौधों की, वो बहुत वीक हो जाती हैं। आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, इमेज में यहाँ पर एक पौधा है, पौधे की पत्तियों को देखिए। वैसे तो पौधे का जो केले का पत्ता होता है वो सीधा तना ऐसे खड़ा रहता है, लेकिन अगर ये बीमारी उसके पत्तों को हो जाती है तो धीरे धीरे ये बेचारा विकलांग सा हो जाता है, कमजोर हो जाता है। क्रिपल्स प्लांटेशन फर्स्ट अटैकिंग द लीव्स, सबसे पहले ये केले के पत्तों पर अटैक करता है, विच टर्न येलो। और इस वायरस की वजह से ये जो पत्ता होता है केले का वो येलो यानी कि पीला पड़ जाता है। एंड देयर ट्रेलिंग इज बिफोर विल्टिंग अवे। और अगर हम लोग बात करते हैं धीरे धीरे पत्तों से होते हुए ये इसके तने तक पहुंच जाता है और फिर फल पर भी इसका असर होता है। अकॉर्डिंग टू दी FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है जरा मुझे टाइप करके कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। FAO की बात करते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, TR4 ट्रॉपिकल, जो ये ट्रॉपिकल रेस 4, इसको जो स्ट्रेन नाम दिया गया है। FAO का ये कहना है कि इट इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ऑफ ऑल प्लांट डिजीज। जितने भी पौधों को, पेड़ों को डिजीज होते हैं, बीमारियां होती हैं, उन सभी बीमारियों में से सबसे बुरी और सबसे खतरनाक बीमारी आपकी यही होती है। द फंगल स्ट्रेन इज नाउ स्प्रेडिंग एंड थ्रेटनिंग आउटपुट इन इंडिया। अब इस फंगल बीमारी, ये जो बीमारी है वो तेजी से फैल रही है और अब इस बीमारी का खतरा भारत पर भी मंडरा रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है किसका, बनानास का, याद रखिएगा। और भारत में केले का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है जरा मुझे जल्दी से टाइप करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिस तरह से इक्वाडोर दुनिया में सबसे ज़्यादा निर्यात करता है केलों का, उसी तरह से दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है केलों का वो भारत में होता है। प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा केलों का जो कल्टीवेशन होता है वो भारत में होता है। रोम हेयर इज द राइट आंसर, FAO का हेडक्वार्टर रोम बनता है। इंडिया में बात करते हैं तो कतिहार डिस्ट्रिक्ट एंड पुरेना डिस्ट्रिक्ट जो कि बिहार में है, इसके अलावा महाराजगंज का एरिया बनता है उत्तर प्रदेश में, ये आपके हॉटस्पॉट हैं इस पर्टिकुलर वायरस के। तो यहाँ के किसानों और यहाँ की फसलों में ये वायरस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डोरेमोन सबसे पहले आंसर किया है इन्होंने, तमिलनाडु। भारत में सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन तमिलनाडु राज्य से होता है, ये याद रखिएगा। बनाना की फसल के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं। बनाना एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, ट्रॉपिकल ये फसल बनती है जो कि जिसमें बनाना आपका ग्रो होता है। और इस फसल को उगने के लिए किस तरह के कंडीशंस की ज़रूरत होती है, तो बनाना की फसल अगर उगानी है तो कम से कम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। जिस इलाके में बनाना यानी कि केले का उत्पादन किया जा रहा हो वहाँ हर साल औसतन 650 से लेकर 750 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए। किस तरह की मिट्टी आवश्यक है, डीप रिच लोमी सॉयल जो कि प्रिफर्ड की जाती है बनाना कल्टीवेशन के लिए, याद रखिएगा। ये मिट्टी गहरी होनी चाहिए। न्यूट्रिएंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो बनाना में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, बनाना कैलोरीज के लिए अच्छा होता है, प्रोटीन के लिए अच्छा होता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए अच्छा होता है, पोटेशियम इसमें भरपूर होता है, ट्रेस क्वांटिटीज ऑफ विटामिन सी एंड B6, विटामिन सी और विटामिन B6 भी इसमें भरपूर मात्रा में आपके पाए जाते हैं। तो ये इन सारे पोषक तत्वों का खजाना होता है बनाना, और ये काफ़ी एनर्जेटिक होता है। ऐसा कहा जाता है कि एक केला करीब करीब 4 घंटे तक आपको एनर्जी देता है। यही रीज़न भी बनता है कि प्रोटीन के लिए यहाँ पर जो खिलाड़ी होते हैं वो बनाना को यहाँ पर प्रेफर करते हैं। ये आर्टिकल क्लियर हो चुका हो तो एक बार यस लिखकर बता दीजिए कि हाँ सर, बनाना के बारे में जो आपने बीमारी बताई है, बनाना कोविड, और जो भी इन्फॉर्मेशन आपने हम तक पहुँचाई है क्लियर हो चुकी है। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा इस इन्फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आर्टिकल छोटा सा है, बहुत बड़ा आर्टिकल नहीं है, लेकिन एक बहुत ही
बेहतरीन समुद्री जीव के बारे में ये आपको आर्टिकल नॉलेज देकर जाएगा। कोरोना वायरस, मजदूर, मैं ये नहीं कहता, लेकिन हम लोगों ने इस पर डिस्कशन भी काफ़ी किया है, लेकिन अब एक ही तरह के आर्टिकल डिस्कस करते करते मैं भी थक गया हूँ और आप भी थक गए हैं। एक नया आर्टिकल अभी हम लोगों ने क्या हुआ है कि 28 मई को एक डे मनाया है, उसका नाम है वर्ल्ड डुगोंग डे। ये एक मछली होती है, एक तरह की मछली होती है जिसको डुगोंग कहा जाता है। तो इस मछली की प्रजाति को बचाने के लिए, इसकी अवेयरनेस के लिए वर्ल्ड डुगोंग डे आपका 28 मई को हर साल मनाया जाता है। डुगोंग की बात करते हैं तो इसे डुगोंग डुगन के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि किस मछली को या किस समुद्री जीव को समुद्री गाय भी कहा जाता है, तो आपका आंसर डुगोंग ही बनेगा। इट इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग स्पीसीज ऑफ हाइब्रोबोरस मैमल दैट लिव्स एक्सक्लूसिवली इन द सी इंक्लूडिंग इन इंडिया। ये एक ऐसा शाकाहारी स्तनपाई है जो कि आपका भारतीय समुद्रों में भी पाया जाता है। और जितनी भी हम मछलियों की बात करते हैं, ये इकलौती ऐसी मछली है, स्तनपाई है, जो कि आपकी शाकाहारी है। और शाकाहारी होने की वजह से ये क्या खाती है, जो आपकी समुद्री घास होती है, जो कि समुद्र के तल पर होती है, जो समुद्री घास उगती है, ये मछली उसको खाती है। और जिस तरह से गाय भी घास खाती है, इसी वजह से इस समुद्री जीव को समुद्री गाय भी कहा जाता है। ये IUCN की रेड लिस्ट में आपका शामिल है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में से इसको शामिल किया गया है। रेड का मतलब होता है खतरा, यानी कि इस प्रजाति पर भी खतरा मंडरा रहा है, इसलिए इसे रेड लिस्ट में यहाँ पर शामिल किया गया है। एंड आर प्रोटेक्टेड इन इंडिया अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। मैं कई बार बता चुका हूँ, 1972 में भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया था, और 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था, टाइगर्स की संख्या को जाने के लिए। तो भारत में इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है, यानी कि इसको यहां पर प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। लेटेस्ट जो सर्वे हुआ था इनकी संख्या को लेकर, वो 2013 में हुआ था, जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था। इसमें उन्होंने ये बताया था कि भारत में अगर हम लोग बात करते हैं तो 200 के आसपास डुगोंग्स पाए जाते हैं, जो कि आपका गल्फ ऑफ मन्नार में पाए जाते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु ये आपका श्रीलंका बनता है। तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में आपकी गल्फ ऑफ मन्नार, यानी कि मन्नार की खाड़ी मौजूद है। यहीं पर आपका पाक स्ट्रेट भी मौजूद है। तो पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी के इलाके में यहां पर 200 के आसपास डुगोंग्स पाए जाते हैं, जो कि तमिलनाडु का एरिया बनता है। और अंडमान निकोबार आइलैंड्स के एरिया में भी पाए जाते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ के रीजन में भी पाए जाते हैं, जो कि गुजरात में आपका बनता है। वहां पर कुल कितने 200 डुगोंग्स आपके पाए जाते हैं। डुगोंग्स खाते क्या हैं? ये ग्रेज करते हैं, मतलब कि चरते हैं। क्या चरते हैं? ये सी घास, सी ग्रास को चरते हैं, यानी कि समुद्री तलहटी पर, समुद्र की तलहटी पर जो आपकी समुद्री घास उगती है, ये जानवर उसको खाता है। लेकिन एंड द लॉस ऑफ द सी ग्रास बेड्स ड्यू टू ओशियन फ्लोर ट्रॉलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बिहाइंड डिक्रीजिंग डुगोंग पॉपुलेशन इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो समुद्री सतह है, वहां पर जो समुद्री घास है, वो धीरे धीरे घटती जा रही है। इस घास के घटने का रीजन ये होता है कि अत्यधिक दोहन, जो वहां पर मछलियों का शिकार किया जा रहा है, और मछलियों को शिकार करने के लिए वहां पर बड़े पैमाने पर ट्रॉलिंग यूज किए जाते हैं। ये तार होते हैं, बड़े बड़े जाल होते हैं, जिनको समुद्र की सतह पर भी ये जाल आपके गिर जाते हैं, और समुद्र की सतह जो आपकी है, वो धीरे धीरे आपकी खत्म हो रही है। कई बार समुद्र की सतह से जो चीजें निकाली जाती हैं, इन जालों में फंसकर ये घास भी आपकी आ जाती है। तो पूरी दुनिया में जो समुद्री घास है, तेजी से घट रही है, और ये जानवर घास ही खाता है, और घास न मिलने की वजह से तेजी से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इनकी जो जनसंख्या है, वो घट रही है। ट्रॉलिंग का क्या मतलब है? इट इज अ मेथड ऑफ फिशिंग। ये मछली पकड़ने का एक तरीका होता है, जिसमें आपका पुलिंग अ फिशिंग नेट, जिसमें एक जो मछली का जाल होता है वो खींचा जाता है थ्रू द वाटर बिहाइंड वन और मोर बोट्स, जिसमें एक बोट यहाँ हो गई, एक बोट यहाँ हो गई, और फिर जाल को डालकर उसको खींचा जाता है। तो खींचने की वजह से मछलियाँ तो जाल में आ जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ समुद्री घास, केकड़े, दूसरे कछुए वगैरह सब इसमें फंस जाते हैं। तो इसकी वजह से भी समुद्री घास का यहाँ पर क्या होता है, नुकसान होता है। इट इज़ हार्मफुल टू एनवायरमेंट। ये जो सिस्टम है मछली पकड़ने का, ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है, बिकॉज इट डैमेजेस, क्योंकि इस तरीके से डैमेज हो जाता है सी फ्लोर, यानी कि समुद्र की जो तलहटी है वो डैमेज हो जाती है, और जो समुद्री घास है वो उखड़ जाती है और ख़राब हो जाती है। जो कोरल रीफ्स वहाँ पर पाए जाते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं, जहाँ पर दूसरे मरीन एनिमल, समुद्री जीव आपके रहते हैं। तो इसके लिए इंसान ही जिम्मेदार है। जितने भी जानवरों के ख़त्म होने, उनकी संख्या कम होने के लिए अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसके लिए जानवर, जिसके लिए इंसान ही जिम्मेदार है। इंसान भी किसी जानवर से कम थोड़ी है।
ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज दी डिस्ट्रक्शन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ दी हैबिटेट, जानवरों का जिस तरह से उनका हैबिटेट बदलना या उसको नष्ट करना, या फिर समुद्र में भी प्लास्टिक पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग कुछ भी आपने देखा होगा, मैंने प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर भी कई आर्टिकल पढ़ाए हैं कि समुद्र में बहुत सारा प्लास्टिक हर साल आपका गिरता है, ये प्लास्टिक जानवरों के लिए खतरा होता है। कई बार जानवर इस प्लास्टिक को इनटेक कर लेते हैं, खा लेते हैं, या कई बार जानवरों की बॉडी से चिपक जाता है। इलीगल फिशिंग एक्टिविटीज, अवैध तरीके से मछलियों का जो शिकार हो रहा है, ठीक है, अनियंत्रित तरीके से, ये भी एक गलत चीज़ है। वेसल स्ट्राइक्स, यहाँ पर जहाज आपस में लड़ जाते हैं, जहाज डूब जाते हैं, उनसे तेल रिसता है जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। अनसस्टेनेबल हंटिंग, मतलब कि अनियंत्रित शिकार होना, पोचिंग होना। अनप्लान टूरिज्म, मतलब कि कोई प्लान टूरिज्म नहीं है कि किस इलाके में कितने आपके टूरिस्ट पहुंचने चाहिए, ज़्यादा टूरिस्ट पहुंचेंगे तो वहां का इकोसिस्टम ख़राब होगा। ये सारी चीज़ें डुगोंग्स की जनता, डुगोंग्स की प्रजातियों के लिए और इनकी जनसंख्या के लिए क्या है, खतरनाक है। डुगोंग का जो मीट होता है ये कंज्यूम किया जाता है, लोग इस मछली का मीट भी खाते हैं, और ऐसी एक गलत मान्यता मौजूद है, लोग ऐसा मानते हैं लेकिन ये गलत है, कि जो डुगोंग का मीट होता है वो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को कूल करता है, मतलब कि ठंडा रखता है। ये गलत मान्यता है जो कि लोग मानते हैं, क्योंकि ये जानवर शाकाहारी है और समुद्री घास ही खाता है, तो डुगोंग का मीट काफ़ी बड़े पैमाने पर कंज्यूम किया जाता है, लोग मानते हैं, क्योंकि दूसरी तरह का जो नॉनवेज होता है, मीट होता है, उससे बॉडी गर्म होती है, लेकिन इस मीट को खाने से लोग ऐसा मानते हैं कि ये ठंड बॉडी को, टेम्परेचर को कम करता है। ये मान्यता है लेकिन ये गलत मान्यता है, जिसकी वजह से भी इनका शिकार होता है, इनको पकड़ा जाता है और इनका मीट के लिए भी इनका शिकार होता है। उम्मीद है ये आर्टिकल भी आपको क्लियर रहा होगा, तो एक बार यस लिखकर बता दीजिएगा कि यस सर ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया है। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ये दोनों ही आर्टिकल मैंने यहाँ पर कंप्लीट आपके लिए कर दिए हैं। एक बार बस फिर से याद दिला देता हूँ, इंडियन ज्योग्राफी का जो क्रैश कोर्स है मेरे द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है 1 जून से। अगर आप मेरे से इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो आज का ही दिन आपका है और कल का दिन है, इन 2 दिनों के अंदर आपको एनरोलमेंट कराना होगा, क्योंकि परसों से आपकी क्लास शुरू हो रही है। टोटल 18 डेज का एक कोर्स होगा, क्रैश कोर्स, जो कि इंडियन ज्योग्राफी पर होगा। इसके बाद फिर 18 दिनों का आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स होगा, तो टोटल 1 महीने और 6 दिन यानी कि 36 दिनों में आपकी वर्ल्ड जो ज्योग्राफी है वो कंप्लीट कराई जाएगी। हर 3 टॉपिक के बाद एक डाउट क्लास होगी, आप उसका वहाँ पर आप जुड़िएगा, अपने डाउट्स वहाँ पर पूछ सकते हैं। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन इसके लिए इनफ नहीं होगा, कम से कम इसके लिए 6 महीने या 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री और दूसरे जीएस के सब्जेक्ट भी होंगे, जैसे कि इकोनॉमिक्स है और पॉलिटी है। अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यही आपके लिए सबसे बेनिफिशियल है, क्योंकि 1 महीने में अगर आप 1 पिज़्ज़ा खाते हैं तो उसके लिए 450 रुपये आप खर्च करते हैं, तो 1 महीने में 1 पिज़्ज़ा के खर्च पर आप 12 महीने तक इस क्लास का आनंद ले सकते हैं। टोटल अमाउंट जो आपको पे करना होगा वो 5400 रुपये पे करना होगा। इसके लिए आप जो कोड लगाएंगे मेरे कोर्स को अवेल करने के लिए, वो कोड रहेगा आपका Target10, और इस कोड को लगाने के साथ आपको मेरी जीएस की क्लासेस तो मिल ही जाएंगी, इसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग और दूसरे सब्जेक्ट की जो SSC सेगमेंट में क्लासेस हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। डेबिट कार्ड के साथ भी पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के साथ भी पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो EMI का ऑप्शन भी आपको वहां पर मिल जाएगा, मंथली पेमेंट कर सकते हैं। इन सभी बैंकों के द्वारा नेट बैंकिंग और UPI ID का इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। आज आपकी स्टैटिक GK की क्लास नहीं होगी, अब आपकी जो स्टैटिक GK की क्लास होगी अनअकैडमी पर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है प्रतिदिन सुबह 11 बजे, ये आपकी कल होगी, और कल ये आपकी 2 घंटे की क्लास होगी, तो 2 घंटे आपको वहां पर जुड़ना है अनअकैडमी पर। 2 घंटे हम लोग स्टैटिक GK डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आज क्लास नहीं होगी तो इसके हर जाने के तौर पर मैं कल 2 घंटे आपकी क्लास लूंगा। अगर ज्योग्राफी का कोर्स परचेज करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम बनता है अंकित, कैपिटल लेटर्स में अंकित गुप्ता, कैपिटल लेटर्स में अंकित गुप्ता GK, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, टाइप कीजिएगा कैपिटल लेटर्स में अंकित गुप्ता GK, वहां पर आपको करंट अफेयर्स की PDF, एडिटोरियल की PDF और जितनी भी क्लासेस मेरे द्वारा अनअकैडमी पर ली जाती हैं उसकी PDF भी, जो कि आपकी फ्री क्लासेस होती हैं, और YouTube की जितनी भी क्लासेस होती हैं सबकी PDF अंकित गुप्ता GK टेलीग्राम चैनल कैपिटल लेटर्स में डालिएगा। लगभग 3000 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं, आप भी यहां पर जुड़ जाइएगा। आज के लिए दोस्तों और मेरे साथियों इतना ही, अब आपकी और मेरी मुलाकात होगी दोपहर में 1 बजे वाईफाई स्टडी चैनल पर। वाईफाई स्टडी जो मेन चैनल है वहां पर क्लास होगी, 1 घंटे की GS मैराथन है, तो उस क्लास में मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। आज के लिए दोस्तों एडिटोरियल में इतना ही, उम्मीद है पसंद आया होगा, तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर